क्या आप भी चाहते हैं कि 11th में आपका बढ़िया स्कोर हो? तो जल्दी से कॉपी और कलम निकाल के टेबल में बैठ जाइए, काहे कि आज हम आपको जैक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022-23 करवाने जा रहे हैं। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर ना बाबू बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज है, काहे कि पिछला साल मॉडल से डायरेक्ट सवाल पूछा था बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे बात को, डायरेक्ट। तो इस बार भी चांसेज है कि जो एग्जाम है 11th का उसमें डायरेक्ट सवाल पूछे उसके मॉडल्स, क्लियर है? तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है जी, एंड इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, कौन से इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था किसके लिए, फिजिक्स के लिए। नाम पढ़ते हैं, ए जेसी बॉस, बी एच जे भाभा, सी एम एन साहा और डी सर सी वी रमन। खास बात बताएं, चारों के चारों जो है ना वो फिजिक्स के ही साइंटिस्ट हैं, चारों के चारों, और चारों के चारों इंडियन साइंटिस्ट भी हैं। खास बात इनको क्या अलग करता है, वह नोबेल प्राइज वाली बात। इनमें से जो नोबेल प्राइज मिला था वो थे एच जे भाभा, है ना, एच जे भाभा जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था, क्लियर है? जिनके नाम पे अभी भाभा एटॉमिक सेंटर चलता है बाबू मुंबई में, क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ हमारा, बी सर एच जे भाभा, बस इन्हीं को नोबेल प्राइज मिला था, बाकी बात जितने कोई है ना किन्हीं को नोबेल प्राइज नहीं मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इनमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। पहला ऑप्शन क्या देता है बाबू, देखो तो एम के एस, दूसरा ऑप्शन में क्या है CGS, तीसरा ऑप्शन में क्या है SI, और चौथा ऑप्शन में क्या है डेसीबल। तो कौन सा इसमें जो है वो नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये है सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS का मतलब क्या होता है बाबू, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये भी है यूनिट। SI यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। डेसीबल हमारा कोई सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ABCD, कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। आप बोलेंगे सर डेसीबल जो है सही होगा, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ यूनिट में आता नहीं है। हाँ, अगर FPS होता, फुट पाउंड, वो भी होता है ना FPS, फुट पाउंड सेकेंड, लेकिन डेसीबल यूनिट होता सिस्टम ऑफ यूनिट में तो नहीं होता है सर, समझे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट आर, बोलता है इन SI सिस्टम फंडामेंटल यूनिट आर। ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ABCD, चार ऑप्शन। बोलता है क्या इनमें से कौन है जो फंडामेंटल यूनिट है, क्लियर है? टोटल फंडामेंटल आपको कितना पढ़ाया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 5 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया गया है बाबू। जैसे कि सर मीटर, मीटर किसका मीटर किसका यूनिट होता है, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी का मीटर यूनिट होता है, तो आप बोलेंगे मीटर जो होता है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट होता है, क्लियर है? किलोग्राम जी मास का होता है, सेकेंड टाइम का होता है, एम्पियर करंट का होता है, केल्विन टेम्परेचर का होता है, मोल थोड़ा नयापन लगता है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए होता है, और कैंडला
ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है। ये सातों के सातों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, क्लियर है। अब देखिए तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ, मीटर किलोग्राम सेकेंड और कूलाम। समझिए कूलाम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। कूलाम जो होता है बाबू वो चार्ज का यूनिट होता है, और चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं आता है, समझे बात को। ऑप्शन सी क्यों गलत है, ऑप्शन सी में है न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है, आप कहेंगे फोर्स का यूनिट होता है, और फोर्स फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। फिर क्या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में कौन नहीं है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, या मैग्नेटिक फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स हो, फ्लक्स जो होता है वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, वो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो क्या बोले, बी गलत क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कूलाम था। ऑप्शन सी गलत क्यों हुआ, क्योंकि उसमें जो है वो कौन था, कौन है न्यूटन है। और ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ, क्योंकि उसमें फ्लक्स है। बचा कौन, ऑप्शन ए जो कि सही है, क्योंकि इसमें से सातों का सातों क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर है। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा, बहुत टेढ़ा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फोर में, क्या बोलता है कि ए व्हीकल, मतलब एक गाड़ी है, ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड V1। बोल रहा है क्या, एक आदमी जो है ना सर वो चलता है, मान लेते हैं टोटल एक्स दूरी तय करता है, एक आदमी जो है टोटल एक्स डिस्टेंस कवर करता है, बहुत अच्छा सर, एक्स डिस्टेंस कवर करता है, जिसमें से हाफ पार्ट मतलब सर यहाँ से यहाँ एक्स बाई टू, और यहाँ से यहाँ एक्स बाई टू, हाफ पार्ट वो चलता है V1 वेलोसिटी से, और हाफ पार्ट वो चलता है V2 वेलोसिटी से, या V1 स्पीड से, और हाफ पार्ट किसे चलता है वो V2 स्पीड से, क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन एवरेज स्पीड इज, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा बाबू। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है सर एवरेज स्पीड का, तो आप बोलेंगे एवरेज स्पीड बराबर जो होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, बाय टोटल टाइम होता है। क्या बोले हम लोग, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है बाबू, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। अब बात ये आता है सर टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो मान लेते हैं हम लोग कि ए से बी गया वो, है ना, और ए से बी तक का दूरी को हम क्या मान लिए हैं एक्स, पर टाइम अपने को नहीं मालूम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ से यहाँ जो जाने में समय लगता है हम उसको माने T1, और यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता है उसको हम क्या मान लिए T2। अब अगर T1 और T2 को निकाल के यहाँ डाल दें हम और सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे वही T1 और T2 को हम लोग फाइंड करेंगे, समझ रहे बात को। चलिए तो T1 T2 निकालते हैं, तो T1 टाइम किसके लिए था, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने का दूरी कितना है x बाई टू, और यहाँ से यहाँ जाने का स्पीड कितना है, तो सर V1, तो बताइए T1 बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर स्पीड बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, बहुत अच्छा सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड है कि नहीं, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, क्लियर है। तो बताइए T1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितना है x बाई टू, डिस्टेंस है आपका x बाई टू डिवाइडेड बाई स्पीड, यहाँ से यहाँ जाने का स्पीड कितना है V1, तो बताइए T1 बराबर क्या हो गया, तो आप बोलेंगे x बटे टू V1 इक्वल टू T1। उसी प्रकार से
अगर हम आपको पूछे T2 बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, X बटे 2 भी 2। T2 बराबर क्या होगा बाबू, तो बोलेगा X बटे 2 भी 2। अरे हाँ कि ना। अब हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल टाइम को डाल देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप, बोल रहे हैं क्या, देखो इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम, बोल रहे एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एक्स है, बहुत अच्छा सर, और टोटल टाइम कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ है T1 और यहाँ से यहाँ है T2। T1 बराबर क्या आया, x by 2 v1, और T2 बराबर क्या है, x by 2 v2। तो बताओ टोटल टाइम क्या होगा, T1 plus T2, जहाँ पर T1 बराबर है हमारा x by 2 v1, और ये क्या हमारा x by 2 v2। ओके, अब बात ये आता है सर, इसको करना होगा आपको सॉल्व। बहुत अच्छा, करते हैं इसको सॉल्व। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, हम कहेंगे सर x और 2 को यहाँ से कॉमन निकाल दो, निकाल दिए कॉमन, अंदर क्या बच गया, तो बोलेंगे सर 1 by v1 plus 1 by v2। अब करिए इसको सॉल्व, x से x तो कट गया, 2 कहाँ चला जाएगा बाबू, ऊपर, और जब हम लोग नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो इसको लेना होगा LCM, तो ये होगा v1 v2, और इधर हो जाएगा हमारा v2 plus v1, ये वाला जाएगा ऊपर, तो लिखाएगा ये वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 plus v2, 2 v1 v2 बटे v1 plus v2, है ना। अरे बुझ रहे हैं बात को, समझ में आया बात, तो जो हमारा एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, 2 v1 v2 v1 plus v2। और बताइए ये कहाँ पर दिया हुआ, कौन सा ऑप्शन है, तो सर ये जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। चलिए ये हो गया, चलिए नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, देख लीजिए इसको, अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, चलिए ले लिए, आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले एक बात पे भरोसा करिए कि सर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देखिए तो जा करके आप लोग भी तो देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो सही दिया हुआ है डी। चलिए देख लेते हैं हम भी एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या है, सी है। नीचे आते हैं अब हम लोग, सी दिया हुआ है, सी क्या है हमारा, एवरेज वेलोसिटी, है ना। पर अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट, तेज की बात हो रहा है ना यहाँ पे, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चलेगा, ओके, एलोंग विथ द डायरेक्शन, सुनिए फास्ट की बात हो रहा है और डायरेक्शन की बात हो रहा है, फास्ट का मतलब सर स्पीड और डायरेक्शन का मतलब दिशा, स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक साथ लगा दो तो वो बनता है वेलोसिटी। तो ऑप्शन 4 है यहाँ पे, ABCD, उनमें से 2 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा सर जिसमें स्पीड है, आ गया वेलोसिटी वाली बात, क्योंकि वेलोसिटी में इसका स्पीड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है, क्लियर है, बहुत अच्छा सर, ओके। और क्या बात करता है, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो जब भी इंस्टेंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस होगा कि एवरेज होगा, आप कहेंगे सर इंस्टेंट की बात हो रहा है तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस होगा, एवरेज कभी नहीं हो सकता है, और आंसर में जो है वो दिया हुआ है एवरेज, तो एवरेज होगा कि इंस्टेंटेनियस होगा, आप कहेंगे सर इंस्टेंटेनियस होगा, तो ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, ऑप्शन ए, पर दिया क्या है ऑप्शन सी, जो कि एकदम साफ गलत है मेरे तरफ से, क्लियर है। हो सकता है भाई जैक वाला लोग कुछ भी बोल सकता है, पर मेरे अनुसार से तो पक्का गलत है,
आप लोग अपने अपने अनुसार से इसको भी देख लीजिए। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बाबू, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर है, तो भाई मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो ये होता है सर रेंज इसका, ऐसे करके अगर हम किसी चीज को फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल हुआ, यहां से यहां तक का दूरी को हम लोग कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। अब बात यह आता है मैक्सिमम रेंज कब होगा और कितना होगा, तो भैया जो मैक्सिमम रेंज होगा ना सर, आर बराबर उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, अब रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। ध्यान से सुनिए हम क्या बोले, रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगा ना सर तब रेंज मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन मैक्सिमम जब होगा तब ये मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम कितना होता है बताइए, 1 होता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर 1 डालेंगे तो रेंज बराबर क्या दिखेगा आपको, यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1, मतलब यू स्क्वायर बाई जी। क्लियर है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर क्या हो गया बाबू, 1 है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर साइन 2 थीटा बराबर साइन ऑफ 2 थीटा बराबर क्या मान लिए हम लोग, 1। साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, साइन 90 बराबर 1 होता है। क्लियर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 90/2, मतलब सर थीटा बराबर 45 डिग्री। पिछले साल भी ये मॉडल में सवाल पूछा था क्या सर, कि मैक्सिमम रेंज तब होता है जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, और मैक्सिमम रेंज का क्या होगा, यू स्क्वायर बाई जी, जहाँ पर यू क्या होगा इसका, इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एंड बॉडी ट्रेवल अलोंग ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, चलिए देखते हैं, एक बॉडी है जो कैसा मोशन कर रहा है बाबू, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, और इसका लीनियर वेलोसिटी कितना है जी, 6 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ANGULAR, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यही निकालने के लिए आपको बोला है। क्लियर है, सुनिए फॉर्मूला ध्यान से देखो बाबू, लीनियर डिस्प्लेसमेंट S बराबर क्या होता है, तुम बोलेगा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गुने रेडियस r। इसी प्रकार से भी बराबर क्या होगा, ओमेगा गुने r, जहां भी क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या होता है रेडियस। इसी प्रकार से होता है तुम्हारा a बराबर अल्फा गुने r। क्लियर है, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। क्लियर है, अब सवाल जो पूछा है वो यहाँ से पूछा है, बताइए भी बराबर क्या होता, ओमेगा गुने आर, तो बताओ ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भी बटे आर, तो बताओ क्या होगा, भी कितना दिया हुआ है सर 6 और रेडियस है 2, सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा क्या आ जाएगा, 3 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन है सर, यस ऑप्शन बी है 3 रेडियन पर सेकेंड, बहुत अच्छा सर, चलिए 7 भी हो गया, तब चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को।
एट में क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इन विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर है? तो समझिएगा बढ़िया से, है तो वो वेक्टर क्वांटिटी, पर कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक बात आपको हम बता रहे हैं। कभी किसी वेक्टर को स्केलर से भागा दे दिया जाए तो रिजल्ट में हमें वेक्टर मिलता है, क्या बोले हम, कभी किसी वेक्टर को स्केलर से या भागा दे दिया जाए या गुणा कर दिया जाए हमें क्या मिलता है, हमेशा वेक्टर ही मिलता है। अब बताइए हमको तुम लोग, एक्सेलरेशन Accelerationएक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना जी, हाँ सर बहुत अच्छा सर, ओके तो बताइए वेलोसिटी क्या होता है, ये वेक्टर है, टाइम क्या है, ये स्केलर है, तो किसी भी वेक्टर को अगर स्केलर से भागा देंगे हम लोग तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, आप बोलेंगे सर ये है वेक्टर, कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो सर ये वेक्टर फिजिकल मतलब ये वेक्टर है, बात को समझ गए। आठ के बाद चलिए आता है नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, यहां क्या बोलता है, ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, कुछ स्टूडेंट हैं, अच्छा एक एक स्टूडेंट है जो कुछ इक्वेशन को स्टडी करता है, क्या क्या इक्वेशन है बाबू, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, क्या क्या इक्वेशन है देखो, तो पावर बराबर वर्क बाय टाइम, चलो बहुत अच्छा। दूसरा क्या बोल रहा है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये है सर तीन इक्वेशन है आपके पास। अब बोल ये रहा है कि इनमें से कौन वेक्टर है ना, देखो वर्क स्केलर है, ये स्केलर है, स्केलर को स्केलर से भागा देंगे हम लोग तो क्या लगता है, वेक्टर मिलेगा कि स्केलर, आप बोलेंगे सर हमको मिलेगा स्केलर, तो ये तो हो गया बाबू हमारा स्केलर है ना, फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी ये बात किए थे हम लोग किसी वेक्टर को अगर स्केलर से गुणा या भागा किया जाए तो हमको मिलता है वेक्टर, ये वेक्टर ये स्केलर, वेक्टर गुणे स्केलर क्या मिलेगा हमको, वेक्टर, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, ये क्या स्केलर है, वेक्टर को स्केलर से भागा करने पर भी जो हमको मिलता है उसे वेक्टर कहते हैं, तो ये हो गया वेक्टर, ये भी हो गया वेक्टर, तो इनमें से तीनों में से कौन कौन वेक्टर हुए, फोर्स और वेलोसिटी, तो सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बताइए कौन यहाँ पे कौन कौन वेक्टर हैं, तो बोलेंगे दो वेक्टर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ, मतलब आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा बी, है कि नहीं। नौ का आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, नौ में दिया हुआ है आंसर बी, ठीक है चलो लास्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ गया रे, हाँ यहाँ आया, टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, अगर आप चाहते हैं कि भीगा कपड़ा से पानी को झाड़ना, इट इज कॉमन टू गिव इट इन ए वुडन सडन जार, तो आप कैसे झाड़ेंगे, जर्क देंगे ना उसको, कस के जर्क दिए, इन डूइंग सो
वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ, तो कौन सा लॉ का आप एडवांटेज लेते हैं? ऑप्शन ए में दिया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी में दिया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सी में दिया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डी में क्या नन ऑफ दिस। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे ना ये वाला बात कि सर कपड़ा सुखा रहे हैं, हम लोग झाड़ रहे हैं मान लो, तो वो कौन सा न्यूटन लॉ का एग्जाम्पल है? हम लोग कहते हैं सर फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है कि नहीं। ये सडन जर्क लगता है जब गाड़ी ब्रेक मारता है, ये सडन एक्सेलरेट होता है गाड़ी जब, तब भी हम लोग को क्या लगता है जर्क लगता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है सर? न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। क्लियर है? वीडियो ना बाबू बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए मस्त होके रहिए, बाय बाय।